सकते हैं, तो कॉम्प्ली में प्राइमरी वही है, तो इसलिए जो है ना वो हाथों में ही है, फिंगर क्रॉस बच जाए अल्लाह करके। बारिश चल रही है, कॉफी भी साथ साथ चल रही है, गोप्रो को यहाँ फंसाया हुआ है और खूबसूरत से सीन्स हैं यार, हुसैन को कैमरा पकड़ा हुआ है यार, लंदन की एक रहता वाइब्स हैं, एक दिन तो आपको चाहिए इसकी सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, लिटरली हर जगह जब भी आप आंखें उठाते हो मिसमराइजिंग सा व्यू होता है। अच्छा गाइस इस वक्त जो है ना हम लोग खड़े हुए यहाँ पर समवेयर हो चुके हैं और बिल्कुल मर्चेंट नेवी मेमोरियल के सामने, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन एक कैसल है और ये है टावर ब्रिज, तो ये 5 मिनट वॉक है अराउंड दिस, और ये रिवर थेम्स है, एक ही रिवर है जो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये पूरा लंदन का मैप और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और इस वक्त ना बिल्कुल हम वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ टावर हिल, हवा थोड़ी तेज चल रही है और सारे आगे चल, तो वो सामने व्यूज हमारे। Hey, what's up, this is Asam Market. Welcome to my YouTube channel, Raza Kazmi Vlogs. अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं इंटर सेंट्रल लंदन में, और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स लंदन टावर, और अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो पहले पिछला व्लॉग जाके देख लें, क्योंकि उसमें हमने विजिट किया था स्काई गार्डन, और स्काई गार्डन यार अमेजिंग प्लेस है। हाँ गाइस, तो ये लगा हुआ है हिस्ट्री बोर्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर 3 साइड्स ऑफ द टावर अमेजिंग स्टोरी। देखो हमारा कोहे नूर भी अंदर है यार, लेकिन ये याद रखना जेल भी अंदर है। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको कहा जाता है टावर ऑफ लंदन, और आज से ठीक 1000 साल पहले ही ये तामीर करवाई गई थी द किंग विलियम्स के कहने से, और इसकी सबसे ज्यादा जो खासियत है वो ये है द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट यहाँ पर कैदी रही हैं कोई 4 साल, ऐसा हिस्ट्री के अनुसार मैंने पढ़ा है और वो आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ गलत हुआ तो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा। यार आपको याद है कि पाकिस्तान में एक साबुन आता था लाइफ बॉय, जिससे पूरा घर नहाता था, और जब वो खत्म हो जाता था उसके ऊपर एक और साबुन रखा जाता था, दोनों को जोड़ा जाता था, उसका नाम आया यहाँ से टंटन है। लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये बिल्कुल जो है वो टावर को पॉइंट करते हुए कि अगर कोई वॉल सिटी के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा तो मलका सबको उड़ा देगी। इस वक्त हम टावर ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं, और टावर ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली जो जगह है यहाँ पे मुझे ये दिल्ली गेट वाली वाइब दे रहा है, लग रहा है कि मैं इस वक्त शायद दिल्ली गेट में हूँ, बस ये लाहौर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, कोई शोर नहीं है और शराबा नहीं। इस वक्त हम खड़े हैं आज से 200 साल पुराने टावर ब्रिज के ऊपर। टावर ब्रिज आजकल लंदन में टूरिस्ट बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन ये बिल्ड किया गया था रिवर थेम्स को क्रॉस करने के लिए और लंदन को बैरूनी ताकतों से बचाने के लिए, लेकिन आजकल ये लंदन की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और अगर कोई लंदन आए और यहाँ ना आए तो वो फिर लंदन क्यों आए। सब लाल हो गया लेकिन आपका भाई फुल एंजॉय कर रहा है वेदर को भी, और ये सेंटर पॉइंट है। क्या बोल, ये 2 दिन के मैं बीमार हो गया, क्या यार वीडियो नहीं चला सका, बीमार हो गया। आपका भाई सब कुछ रिस्क पे ले रहा है, कैमरा वाटर प्रूफ नहीं है लेकिन खुला हुआ है, पानी अंदर भी जा रहा है, मुंह तो मेरा बहुत जा रहा है, मगर लंदन वालों के हाथ जम गए, लेकिन आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है यार, आप तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब सब कुछ बनता है यार, लाइक किए बगैर ना जाइएगा।
an excuse, put on a poker face. Well, guys, scene ऐसा है कि टावर ब्रिज के सामने जो प्रॉपर्टी है ना वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टियों में से एक है और इसकी जो प्राइस आप मेरे सामने वो देख रहे हैं अपार्टमेंट इसकी सारे पैसे बालकनी के और आप सोच सकते हैं कि इसके पैसे कितने होंगे 25 करोड़ पाकिस्तान लेकिन सारे पैसे जो है ना आपकी बालकनी में पूरे हो जाते हैं आप जो शाम को आते होंगे चाय पीने क्या व्यू आता होगा गुजर रहे हैं टनल के अंदर से टनल नहीं है बेसिकली वो वॉक थ्रू बना हुआ ऊपर से ब्रिज गुजर रहा है और नीचे से जो है वो स्पेस जो होती है उसको अंडरग्राउंड कहेंगे अंडरग्राउंड से गुजर रहे हैं और अब बिजी आवर शुरू हो गए तो लंदन फुल जो है ना अब बिजीएस्ट रोड के साथ हिसाब से चल रहा है मैंने कहा बस ये बता दें कि अब यहाँ लंदन में रश भी बहुत होता है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही हमने इस पे चढ़ा दी वाटरप्रूफ शीट ताकि जो है ना थोड़ा सा सिक्योर रहे कैमरा ऐसे ही पकड़ा हुआ है चीजें रिस्क पे रखी हुई हैं ताकि कंटेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो क्योंकि कैमरे क्वालिटीज जो होती हैं वो ज्यादा बेटर होती हैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है और ऐसा होता भी है और मोबाइल से आप अच्छा बना सकते हैं तो कॉम्प्लीमेंट प्राइमरी वही है तो इसलिए जो है ना वो हाथों में ही है फिंगर क्रॉस बच जाए अल्लाह करके खुला हो सकता है बाकी सो गुड सो फार भैया कल के लिए डिसाइड हो रहा है कि क्या करना है या तो ये यहाँ पे स्कूटर्स बने स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खड़े हैं और वहाँ साइकिलें खड़ी मैं तो इन्हें कह रहा हूँ कि एक घंटा ये चलाते हैं एक घंटा वो चलाते हैं इसमें ऐसे होता है कि आप ऐप डाउनलोड करते हैं और उसको फिर यहाँ से स्कैन करते हैं और ऐप के थ्रू कुछ पैसे वैसे कटते हैं ऐसा ही होता है मैंने वीडियोस में देखा है मुझे पता नहीं नहीं बाइक सिर्फ फॉर 24 आवर्स तो 2 पाउंड तो ठीक है यार ये क्या बेच रहा गुजराती रसोई है आप क्या बेच रहे हो चलाते रहे वैसे ही बता दें धक्का दूं यार ये देखें यार वो हमारे यहाँ सिट्टे वाले आते हैं ना यहाँ पे सिट्टे वाले तरह कमर्शियल स्टाइल में आ रहे हैं बेस्ट ऑफ लक बॉस यू आर हियर वी आर हियर लॉन्ग लेन रोड पे और यहाँ पर क्या था यू मस्ट रिटर्न अ बाइक विद इन 24 आवर्स और क्या कहते हैं फर्स्ट 30 मिनट और यार 30 मिनट फ्री है और फ्री तू ले लेने सही सही अभी ये तो भी कसीन ऐसा है कि ये लोग पीछे डिसाइड कर रहे हैं कि कल हमें कौन सी व्हीकल लेनी है और इसके बाद अब हमें जाना है इसके बाद लंदन आई व्यू जाने के लिए हमें लेनी पड़ेगी ट्रेन इफ यू लाइक गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग बूम हेलो बाबू राव घर पे है अरे बाबू राव तो मर गया पिछले हफ्ते वो कब मेरी मछली का ऑर्डर था तेरी मछली मस्त तवे में फ्राई करके अपन खा गया रखपून चल रखपून